तुम्हें आदरणीय राधा दीदी जी से निवेदन करता हूँ कि जो दीदी जी का जो अनुभव है दादी जी के साथ हमारे बीच में रखें, ताकि हम उससे लाभ ले लें और हमारा जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्राप्त करें। और हमें भी जीवन में अगर सीखना है तो दीदी जी का अनुभवों का आधार से अपने जीवन को महान बनाएं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राधा दीदी जी। ओम शांति। सबसे पहले दादी जी को ईश्वरीय सेवा अर्थ भेजना हुआ, दादी जी सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए, तो लखनऊ में दादी जी का सेवा स्थान रहा। जब दादी जी से हम मिलते थे पहली बार, जब लखनऊ का नाम जीवन में पहली बार दादी जी ने सुना था, जीवन में कभी लखनऊ ना नाम सुना था, ना मैप देखा था, ना शहर को देखा था। भगवान का संदेश मिला, तुम्हें लखनऊ में जा करके सेवाएं करनी है। तो दादी जी ने कहा ब्रह्मा बाबा को, बाबा मैंने लखनऊ नहीं देखा है। तो बाबा का जवाब था, अंधों ने मुल्क क्या मुल्तान को ढूंढ लिया है ना, मुल्तान के ये शब्द, अंधों ने मुल्तान को ढूंढ लिया, आपके तो दो दो आंखें हैं, क्या आप लखनऊ नहीं पहुंच सकते? क्योंकि दादी के मुखारविंद से सुने हुए अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। पहली बार जब लखनऊ के धरनी पे पैर रखा, दादी जी रिक्शे वाले से पूछती है, या जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो वो कहाँ ठहरता है? धर्मशाला का भी पता नहीं था। एक धर्मशाला में दादी जी को लेके गया तो वहां दादी जी रही। उसके अपने मुखारविंद से अपने अनुभवों को शेयर करते हुए सुनाया। उस समय गोविंद वल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये योगी तपस्वी मूर्त आत्माएं उनके पास गई। 25-25, 24-25, 26 साल की कन्याएं थी। जा करके मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आए, हम अपने तन मन धन से इस भारत भूमि को स्वर्णिम भारत बनाएंगे, आप हमें रहने का स्थान दीजिएगा। तो देखने में 25 साल की कन्याएं थी, लेकिन इनका योग बल जो 14 साल परमात्मा की याद में तपा हुआ हो, ज्ञान अमृत का पान कर रहा हो, शुद्ध संस्कार शुद्ध ज्ञान के संस्कारों को अपने जीवन में अपनाया हुआ, उनके चेहरे से उनकी दृष्टि से जो वो योग की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में एक MLA क्वार्टर है दारुल शफा, वहां दादी जी को रहने के लिए क्वार्टर अलॉट किया। दादी जी बताते थे, हमारे बीच में भी बैठे हुए हैं, 15-20 MLAs आकर के क्लास करते थे। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में अपने आकर के बात की, कोने कोने में चौक आदि में जा करके, आज भी वो सेवा केंद्र हमारा हजरतगंज का पुराना सेवा केंद्र है, जहां दादी जी ने रह करके सेवाएं